एक शब्द नहीं, अपने में एक पूर्ण वाक्य है। एक ऐसा शब्द जिसके ना आगे किसी शब्द की जरूरत, ना पीछे किसी शब्द की जरूरत। हाँ, इस एक शब्द के बाद खत्म हो जाती है शब्दकोश में भरी शब्दावली की जरूरत। एक शब्द जिसे किसी भाषा के व्याकरण की जरूरत नहीं, स्तब्ध कर देने वाला एक शब्द, मौत। सुनते ही चित्त पर चढ़ जाता है जाने वाले का दृश्य, नाचने लगता है उसका हंसी वाला चेहरा और अंदर तक कचोट जाती है आत्मा। ठहर जाते हैं सपने, ठहर जाती हैं ख्वाहिशें, टूटने लगती हैं उम्मीदें, बोझिल हो जाती हैं सांसें, हो जाती है सारी दुनिया झूठी और कह जाती है मृत्यु, मैं ही सत्य हूं। जो तुमने देखा, जो मैंने देखा, सब झूठा, दृष्टा भी झूठा, दृश्य भी झूठा, और जिसे तुमने कभी नहीं देखा, बस वही सत्य मृत्यु। इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। 30 मार्च की शाम मंदिर की जमीन अचानक धंस गई। 12 घंटे तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान चलाती रहीं। फिर सेना भी अंदर फंसे लोगों को बचाने में जुट गई। रस्सी की सीढ़ियों को नीचे गिराकर एक एक लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। बचाव के काम में स्थानीय लोग भी रेस्क्यू टीमों की मदद कर रहे थे। जो बच गए उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन 36 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। वो मौत थी जो कह रही, बुझा दे अम्मा आज अपने चूल्हे को, तेरे दरवाजे पर आज मौत आई। बुझा दे अम्मा आज अपने चूल्हे को, तेरे दरवाजे पर आज मौत आई है। तोड़ दे आज तू अपनी चूड़ियां दुल्हन, तेरे सुहाग की आज अंतिम विदाई है। बचपना छोड़ उम्र को दोगुना कर बेटा, बचपना छोड़ उम्र को दोगुना कर बेटा, आज तेरे कंधों पर नई जिम्मेदारी है। आज तेरे कंधों पर नई जिम्मेदारी है और कहानी में नायक का किरदार खत्म, कहानी में नायक का किरदार खत्म। बेटी आज से शुरू हुई तेरी नई लड़ाई है। जल गया आज तेरा बगीचा बापू, जल गया आज तेरा बगीचा बापू, फूल नहीं तेरे हिस्से बस राख आई है, फूल नहीं तेरे हिस्से बस राख आई है। और सुनो 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 पला के अजीजों, सुनो सुनो पला के अजीजों, पलाने के मौत की खबर आई है, पलाने के मौत की खबर। वो मौत थी जो 36 लोगों को साथ ले गई, वो मौत थी जो 36 की जिंदगी निगल गई, वो मौत थी जिसके सामने 36 की जिंदगी हार गई। बचा तो 36 लोगों के परिवारों में दर्द, आंख में आंसू और यादें। जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दर्द बहुत बड़ा है। उस माँ का दर्द जिसका बेटा बोल कर निकला था कि मैं जा रहा हूँ, तुम आना, माँ नहीं पहुँच पाई। जब माँ पहुँची उस माँ का बेटा बावड़ी में समा चुका था। उस माँ पिता का दर्द, कमल और रिया खत्री की संतान खोने का दर्द, जिसका शव आर्मी वाले हादसे के दूसरे दिन 31 मार्च सुबह निकाल पाए थे। ये 35वीं लाश थी। मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया कहकर रोती चीखती आपा खोती माँ का दर्द। ऐसे ही उन 36 परिवारों का दर्द जिसे लिखने और बोलने के लिए मेरे पास शब्द और सामर्थ्य नहीं। लेकिन सवाल है, मौत का जिम्मेदार कौन? खुद वो लोग जिनकी जाने गई, ये सरकार और सिस्टम? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल इस हादसे की खबर सुनने वालों के जहन में उठते सवाल हैं। ये सवाल शिवराज सरकार और इंदौर प्रशासन से है। मंदिर परिसर में क्षमता से ज्यादा लोग जुट जाते हैं, प्रशासन को मंदिर में बावड़ी का पता ही नहीं होता। मंदिर में इतनी भीड़ थी तो सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था? हादसे के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान चलाती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और सिस्टम हादसे तक सोया रहता है। सवाल ये भी है, प्रशासन ने मंदिर में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जरा सी भी कोशिश की होती तो शायद हादसा इतना बड़ा नहीं होता। सरकार और सिस्टम के लिए लोगों का मरना एक सामान्य सी बात हो चुकी है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाओं से अभी तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है।
लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद सरकारों के पास पीड़ितों को देने के लिए सिर्फ मुआवजे की राज और संवेदना के कुछ शब्द होते हैं और सिस्टम के पास अपनी लापरवाहियों को छिपाने के हजारों बहाने। सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है, जिसकी जान गई उनके परिवारों को 5 लाख, जो जिंदगी से लड़ रहे हैं उन्हें 50,000। प्रशासन अपनी गलतियों के बहाने परोस देता है और हादसे को भूल जाते हैं। सवाल फिर उसी सरकार और सिस्टम से है, अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन? सिस्टम एक्टिव नहीं होता, अलर्ट नहीं होता, चिन्हित नहीं करता और हादसा हो जाता है। इंदौर के मंदिर में हुआ हादसा तो सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्ट तंत्र का एक और उदाहरण है। Thank you.